ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। अनुव्रत यात्रा के प्रणेता आचार्य महाश्रवण जी जब उपनगर नाला सुपारा में पधारे तो उस क्षेत्र में जनता महासंत के दर्शन को उमड़ पड़ी। विशाल शोभा यात्रा के रूप में गुरुदेव को आयोजन स्थल पर लाया गया, जहां पर प्रवचन का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान आचार्य श्री ने कहा कि मानव जीवन में शिक्षा का परम महत्व है, शिक्षा साधु समुदाय में भी महत्वपूर्ण है तथा गृहस्थों के जीवन में भी शिक्षा का बड़ा महत्व है। अनेक अनेक धर्म ग्रंथ हैं, उनके अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हमारे यहाँ 32 आगम प्रमाण के रूप में है। इस मौके पर विभिन्न धर्मों के 15 से भी ज्यादा धर्म गुरुओं ने आचार्य श्री की भावीनी अगवानी की। इसी पर देखिए हमारे रिपोर्टर मनीष पालीवाल की ये रिपोर्ट। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान आचार्य महाश्रवण जी महाराज श्री का 28 जून के दिन मुंबई में चातुर्मास प्रवेश होगा। गुरुदेव इन दिनों मुंबई शहर के विभिन्न उपनगरों में प्रवासरत हैं और भक्तों के अंदर ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। 9 जून के दिन गुरुदेव अपने शिष्य मंडल के साथ नाला सोपारा उपनगर पहुंचे, जहां पर गुरुदेव का स्वागत जैन समाज के साथ साथ हिंदू समाज, बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज जैसे विभिन्न समाजों के धर्म गुरुओं, जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने किया। इस अवसर पर आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने कहा कि शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है। शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन को आदर्शमय बनाकर अपने कुल का और स्वयं का कल्याण कर सकता है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जय जिनेन्द्र। चंद्रप्रकाश धाकड़, प्रवास व्यवस्था समिति नाला सोपारा का अध्यक्ष। आज जो कार्यभार नाला सोपारा वालों ने मुझे सौंपा है, मैं काम करने में खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है जो 20 साल पहले जो रैली निकाली थी उससे भी कहीं गुना अच्छी आज रैली का प्रदर्शन हुआ। और गुरुदेव के साथ में गुरुदेव भी इतने मुखारविंद से खुश थे कि नाला सोपारा वसई विरार जैसा क्षेत्र एक जैसा हो जावे तो चातुर्मास करने का भी भाव हो जाए। ओम अरम। मैं मनोज अस्थिमल सोलंकी, नाला सोपारा तेरापंथ युवक परिषद का कोषाध्यक्ष। आज हमारे इस नाला सोपारा की पावन धारा पर 20 वर्ष बाद और 70 वर्ष के बाद हमको चातुर्मास मिला है मुंबई को, और उसी चातुर्मास के संदर्भ में आज एक दिन का हमको नाला सोपारा का प्रवास मिला है महाश्रवण जी का। और उनके आज इस अपने प्रवचन में हमको अनुव्रत के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। और मैं जितेश जैन, चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति का तेयुब का संयोजक। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा ये, और ये हम कह सकते हैं कि जो सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, लगातार पिछले 1.5 से 2 महीने तक मेहनत की है, उसे सफल बनाने का आज जो उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जो थकान है वो आज कम्प्लीटली मिट गई होगी। शारीरिक थकान भले होगी लेकिन मानसिक थकान उनकी पूरी तरह से मिट गई होगी। गुरुदेव। मैं मोहन शोभालाल जी कुमट, अत्ययुप उपाध्यक्ष प्रथम। आज महाश्रमण जी 2023 में इधर पधारे, 9 जून 2023 को नाला सोपारा पधारे, उसमें प्रवचन में अच्छी उपस्थिति रही सबकी। मैं तहयुप मंत्री दिनेश धाकड़। आज की जो रैली थी हमारी, जो आचार्य श्री हमारे पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो नाला सोपारा में एक दिवसीय हमें जो प्रवास मिला था, उसमें हमने प्रयास किया पूरे संप्रदाय को जोड़ने का और हमें इसमें काफ़ी सफलता मिली। लगभग सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाबा सीताराम, स्वामीनारायण, लगभग सभी समुदाय ने हमें काफ़ी अच्छा सहयोग किया और रैली में शामिल हुए। मेरा नाम डॉक्टर वंदना डांगी है और मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में एजुकेशन चेयरमैन हूँ नेशनल लेवल पे। आज यहाँ मेरा आना हुआ, श्रद्धे गुरुदेव महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना करते हुए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पूरा तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, उसके सारे सदस्य और पदाधिकारीगण काफ़ी उत्साहित हैं, गुरुदेव की आगमन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। और हम हमारा सौभाग्य है कि मुंबई में गुरुदेव का आगमन हुआ है। किशन कोठारी, अध्यक्ष तेरापंथ योग परिषद नाला सोपारा।
आज जो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य जी महाश्रमण जी का जो नाला सफारा में पदार्पण हुआ, उसमें जो रैली हुई बहुत ही सफल शानदार हुई, और उसमें जो प्रशासन ने, पुलिस और नगर पालिका ने जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं अनिल परमार, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि मुझे आवास व्यवस्था समिति नाला सफारा का सदस्य बनाया, और ये जो प्रोग्राम हुआ है उसके लिए मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि गुरुदेव हमारे नाला सफारा में पधारे और मेरे ऑफिस के बाजू से ही पधारे, और जो रैली निकली वो रैली में इतनी शानदार थी कि मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। और गुरुदेव ने हमको आशीर्वादन भी दिया है कि आपका जो भी सभा भवन है वो शीघ्र से बड़ा हो जाए। इसी के साथ ओम मरम। मैं पारस बापना, मंत्री 13वीं सभा नाला सफारा, युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में सहभक्ति वंदना। आज का जो पावन प्रवास आचार्य श्री महासमन जी का जो मिला है, अगले 20 वर्षों के बाद हमें ये पावन प्रवास मिला है। इस पावन प्रवास का हम इतने तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये कहते हैं कि हमारे को भगवान कितने 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके नाला सफारा पधारे हैं। आज नाला सफारा वासियों के लिए शुभ घड़ी का दिन है, और हम यह प्रसन्नता महसूस करते हैं कि आज एक दिन, हमें एक दिन नहीं मिला, समझ लो 120 दिन मिल गए। राजपुरोहित समाज के आराध्य गुरुदेव श्री तुलसीराम जी महाराज जैसे समस्त भारत में अपना चातुर्मास करके एक अहिंसा के जैसा संदेश देते हैं, वैसा जैन 13वें समाज के आचार्य श्री महाश्रमण जी भी ऐसा ही अणुव्रत का संदेश पूरे भारत में दे रहे हैं। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य पूरे विश्व में इसी तरह का संदेश देते हुए घूम रहे थे, वैसे ही संदेश आज हमारे महाश्रमण जी नाला सफारा में पधारे हैं। और हम संत किसी जाति विशेष के नहीं होते, संत संत होते हैं, इसलिए हम राजपुरोहित समाज भी पूरे आज महाश्रमण जी के साथ में तन मन धन से पिछले एक महीने से हम लोग भी इसी तैयारी में जुटे थे। आज ब्राह्मण समाज भी महाश्रमण जी के सिद्धांतों पे चल रहा है और इनका अणुव्रत का अनुकरण कर रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं लक्ष्मीलाल मेहता, 13वें समाज नाला सफारा का अध्यक्ष, मैं सभी बाहर से पधारे हुए मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे गुरुदेव 20 वर्षों के बाद हमारे नाला सफारा में पधारे, और सबसे बड़ी बात हमारा ये रही सर्वधर्म, जिसमें हमारा जैन सावक, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, सगल संघ सब था। इसके अलावा भी मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चन समुदाय, सिख, ईसाई, सभी पंथों ने हमारे को बहुत सहयोग दिया। और 20 साल के बाद ऐसा मौका, और हमने जो आज रैली देखी वो हम 20 साल पहले जो काम किया था उससे भी हमने बहुत अच्छा काम आज गुरुदेव के सामने किया, और हजारों की संख्या में पब्लिक रैली में थी। सादर जय जिनेन्द्र, मैं सुबह के सालों हूँ, मुझे आज के महावीर कहूँ को अतिशयोक्ति नहीं, आज के महावीर के आचार्य श्री महासमन जी के रूप में देख रहा हूँ, तो उनको आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि अभी मैं थोड़े टाइम से गोरेगांव में शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन नाला सफारा मेरे दिल में बसा हुआ है, और नाला सफारा में मेरी जान से भी ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि नाला सफारा में भगवान आए बहुत ही अच्छा लगा। विरार से इतनी अच्छी पब्लिक आई, नाला सफारा, वसई, पूरा बम्बोई शहर से सभी पदाधिकारी आए, और सभी ने आध्यात्मिक गंगा में स्नान करने की कोशिश की। प्रभु को वही चाहिए कि हम प्रभु जन जन को तारते हुए छापर से मुंबई की ओर लगभग 1500 किलोमीटर ऊपर उग्र विहार करके आए। न आप गर्मी देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न बारिश देखते हैं, इतने अच्छी संख्या में आप जनमेदनी के साथ आज नाला सफारा में बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।